असलामुअलैकुम भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। आ गए एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो जी अब जा रहे थे जी हम अपार्टमेंट्स में। मैं करूँगा लूट लूट करके। यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया था तो मैंने 3 बॉट मारे थे और मैं बस निकल लिया था। इसमें मैं किल कम है लेकिन ये मैं वो खेल रहा हूँ, क्या नाम होता है, सोलो वर्सेस स्क्वाड, आपको एंड पे पता चल जाएगा। और स्क्वाड में है जी मेरा रैंक डायमंड 4 है। हाँ जी डायमंड 4 है। एंड पे शायद से डायमंड 5 था तो डायमंड 4 हो गया था मेरा। मैंने इसके बाद थोड़े मैचेस खेले थे उसमें तो 25-26 प्लस हो रहा है तो अच्छा है अभी के लिए। लेकिन आगे क्राउन में मैंने करना है इस तक, क्योंकि मैंने लेट रैंक पुश करना शुरू किया था तो कॉन्क्रेट तो रहा। तो जी अब इस बार रैंक पुश करना बनता था क्योंकि पिछली बार नहीं किया था। तो यहाँ पर लूट की मेरा रैंक है स्क्वाड में। तो जी अब मैं फिर वो मेरे टीमर सारे ऑफलाइन थे, मैंने सोलो से स्क्वाड खेला जब। और ये मैच था 11 AM का था तो तब मैंने खेला था। तो तब के हिसाब से तो लॉबी अच्छी थी क्योंकि सुबह सुबह रैंक पुशर जाते हैं सारे। मेरे 2-3 दोस्त हैं वो खेल रहे थे लेकिन वो रैंक पुश कर रहे थे डुओ में, तो मैंने स्क्वाड में करना था तो फिर वो नहीं मेरे साथ खेले। तो अब मैंने यहाँ पर लूट की, यहाँ पर मैंने काटा नहीं हुआ। मैं आपको ना वहाँ पर मिलता हूँ जहाँ पर मैंने नहीं, बल्कि सही है बातें करते हैं। एक बात मैं नोट करनी थी कि जो मेरा सेकंड चैनल मैंने जो बनाया, जिसका जिसकी वीडियो मैंने डाली थी कि मैं सेकंड चैनल बना रहा हूँ, वो चैनल पे मैं लाइव आऊँगा आज से कल से। आप लोग जब देख रहे हैं ना ये वीडियो तब आज होगी, लेकिन नहीं आज से मैं कर रहा हूँ। आप लोग जब वीडियो देख रहे होंगे ना तब मैं एक दिन पहले से करना शुरू कर दी होगी। आज का डे है, आज डे है सैटरडे आज, तो मैंने आज से कर देनी है शुरू। ये वीडियो आएगी आपके पास फ्राइडे को, ओ संडे को आएगी। तो जी अब यहाँ पर इतनी लूट की कि 3 बॉट मिले उनको मारा। यहाँ पर सर्वर मेरा ख़त्म हो गया जी, तो मैं यहाँ पर नेट चेंज करके आया। यहाँ पर ब्लर्ड हो जाएगी क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं। तो यहाँ पे मैं सर्वर नेट चेंज करके आया, 2 नेट हैं, एक नेट बुरा है तो फिर मैं दूसरा कनेक्ट कर लिया। एक नेट बुरा है तो मैंने दूसरा कनेक्ट कर लिया। तो जी अब यहाँ पर कोई बंदा आया ही नहीं था, सारे रैंक पुश कर रहे थे। और कहीं हॉटस्पॉट जाओ, कहीं हॉट ड्रॉप पे कहीं पे लैंड करो तो बिल्कुल बंदे नहीं आते। और ये ऐसे कोई छोटे मोटे कंपाउंड्स में लैंड करो, 1-2 घर में जहाँ पे होते हैं वहाँ पर बंदे भर भर के आ जाते हैं। फिर वो अजीब हो जाता है कि बंदा इतना नहीं तैयार होता कि वो। अब मैं आम छोटे मोटे घरों पर उतरा हूँ, उधर अब कोई बंदा है तो वो तो मैं उसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे था यहाँ पर कोई नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर आ जाते हैं बंदे तो वो तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर मैं लूट की बॉट्स की, यहाँ पर मुझे M4 मिल गई थी। आगे जाके थोड़ी सी देर में मुझे M4 मिल जाएगी और S12 के भी मिल जाएगी, ये अपार्टमेंट्स में भी मिल जाएगी। यहाँ पर एक बॉट आता है उसको मैंने मारा, उससे मैंने M4 भी ली, उससे मिली थी मुझे M4 और मैंने वो भी किया था, शॉटगन भी सीली थी। अब मैं आपको मिलता हूँ जहाँ पर मैं लूट कर, जहाँ पर अब नेक्स्ट बॉट आएगा ना वहाँ पर।
मुझे अपार्टमेंट में फुटस्टेप आ रहे थे, तो यहाँ पर मैं सुनने ये था, मैंने इसको मारा तो यहाँ पर अब स्पॉट से मुझे दो गन्स मिल गई थी अच्छी। और ये बॉट पता नहीं कहाँ से लूट के आया हुआ, इतनी अच्छी लूट देगा। तो यहाँ से फिर मैंने एस्ट्रल के भी ले ली, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड है, और सोलो वर्सेस स्क्वाड में अगर एस्ट्रल के ना हो ना पास तो बहुत बुरा हो जाता काम। हर जगह से पड़ रही होती है स्क्वाड, आज शुमार द स्क्वाड, तो एक स्क्वाड में एक बंदे या दो बंदे के पास भी हो ना एस्ट्रल के, तो वो जो सोलो होता है ना उसकी हालत हो जाती है जी बुरी, वो नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मेन बात ये है कि वो अगर दो बंदों के पास है, एक ने एक शॉट ला मार दिया, दूसरे ने दूसरा शॉट मार दिया, और फिर जो बाकी दो हैं वो मार देंगे अगर एआर से, तो फिर तो मड़ा ही मड़ा है ना। तो इसलिए एस्ट्रल के सोलो और स्क्वाड में रखना ज़रूरी होती है। यहाँ पर फिर मैंने M4 लेनी थी, तो मैंने यहाँ पर आके बुलेट्स ली, और बस फिर मैं गाड़ी लेने के लिए निकलने लगा हूँ थोड़ी देर तक, बल्कि निकल ही गया हूँ। तो जी अब मैं निकल रहा था तो ना मेरे पास कुछ स्कोप अच्छा नहीं था, 4x 3x या 6x 2x था, 2x इतना मेरा ना हाथ नहीं बैठता 2x पे। स्कारल पर 2x हो या AKM पर 2x हो तो चल जाता है, M4 पर 2x हो तो नहीं चलता, पता नहीं क्यों। बैरल पर भी 2x हो तो चल जाता है। अब यहाँ पर बंदे थे लग रहे मुझे, लेकिन नहीं था कोई, मुझे नज़र नहीं आया। तो यहाँ पर मैं गाड़ी लेने आया, और ये गाड़ी लेना यहाँ पर इतना मुश्किल होता है ना हर बार ही। मैं अपने दोस्तों के साथ जब खेल रहा है, एक मैच से हुआ, मैं गाड़ी लेने आया, गाड़ी के पीछे एक बंदा लेटा हुआ था, जब मैं गाड़ी के पास आया उसने मुझे नॉक फिनिश दोनों डाला, नॉक करके फिनिश डाल दिया, इतना मुझे गुस्सा चढ़ा। यहाँ पर मैं चार्जिंग लगाई हुई थी साथ मोबाइल के, तो इसलिए ना थोड़ी अटक रही थी गेम, चार्जिंग में उतार दी, तो थोड़ी सी देर बाद मैं चार्जिंग उतार दूँगा। अब यहाँ पर मैं जोन था अब ईस्पोर्ट का शायद से, जोन हाँ जी ईस्टपोर्ट नॉर्थ हिल ऐसे जगह पे था, नो जोन उस तरफ कोई था, हाँ देखा यहाँ पर कोई जोन था। तो फिर अब मैं वहाँ को गया हूँ, और यहाँ पर 3 किल थे मेरे, लेकिन इस मैच में 7 किल हुए थे, और चिकन डिनर शायद से, वो तब देखने से पता चलेगा निकलता कि नहीं निकलता, आई थिंक नहीं निकला, शायद निकल भी सकता है कोई पता नहीं, मैंने नहीं देखी, मैंने खेली लेकिन मैं बताऊँ क्यों सस्पेंस खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैं अपार्टमेंट से आकर रोक दिया, हालांकि मेरे पास एस्ट्रल के थी, लेकिन ना स्क्वाड पे अगर मैं रश मार देता ना तो पक्का मरता, चाहे एस्ट्रल के होती भी, तो इसलिए मैंने सोचा कि होल्ड करता हूँ, रश भी मारूँगा लेकिन कम मारूँगा थोड़ा आगे। फिर अब यहाँ पर AKM थी, टॉमी थी, मैंने नहीं ली कोई भी, यहाँ पर ना गेम बहुत ही अटक रही थी। अब ये देखें यहाँ से सीधा यहाँ पे आया हूँ, ये गेम नहीं अटकी थी, ये मैंने तब स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, फिर आप फिर चलाएं, क्योंकि अटकना शुरू होती ना जब तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करके फिर चलाएं तो आपका ठीक हो जाता है। और थोड़े दिनों तक ही, एक आप लोग को बताऊँ बात, थोड़े दिनों तक मेरे चैनल पर मेरा सेटअप टूर आ जाएगा, जिससे जैसे बनाता हूँ वीडियो, छोटा सा ही है लेकिन मज़ा आता है मुझे ऐसे की चीज़ें बताने का बनाने का, क्योंकि फिर ऐसे वीडियो भी मज़े की बनती है। अगर ये तो अब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, इसमें इतनी मज़े का मज़ा नहीं आता वीडियो में, ये वाली जब बंदा सामने बैठ के कैमरे में बात कर रहा हो ना देख के, तब से ही मज़ा आता है। तो वो वीडियो जल्दी आएगी, बस थोड़ा काम कर रहा हूँ मैं अपने सेटअप पे, 1 मंथ 2 मंथ्स लग जाएंगे अपने सेटअप पे, यहाँ 1 मंथ लग जाएगा सेटअप बनाने में। तो यहाँ पर अब मैं जोन में निकल लिया, ये अब घड़ों के पास बनाने में ना मशीन नहीं चलती। यहाँ पर अब डाशिया अटक गई थी, फिर डाशिया को मैंने सीधा किया, और जी अब निकले हम, ये देखें ना मेरे से सही नहीं चलती। यहाँ पर मैं आके रुक गया क्योंकि सामने फायर हो रही थी, और यहाँ पर क्या ही ग्रेनेड किया मैंने, क्या ही ग्रेनेड किया भाई साहब,
यार ग्रेनेड किया मैंने, देखें तो सही, वो सामने बंदा, मैंने इसको मारा थोड़ा सा, ये कवर में चला गया, फिर आया बाहर, मैंने इसको फिर मारा थोड़ा सा, ये मारा ही नहीं, पता नहीं कितनी खा रहा था बुलेट। लेकिन फिर मेरी नज़र गई कि मेरे पास ग्रेनेड्स पड़े हैं, फिर मैंने कहा मज़ा आया वाला भीड़ू यहाँ पर, फिर मैंने ग्रेनेड फेंका और ये ग्रेनेड कुछ भी नहीं हुआ इससे। वो बंदा मेरे जब पास ग्रेनेड था वो दूसरी जगह पर चला गया, यहाँ पर ये जो ग्रेनेड था ना, बूम, यहाँ पर ये फ्रैग ग्रेनेड से मैंने 4 किल कर लिया। अब ये यहाँ पर एक बंदा था बिल्कुल मेरे पास ही, ये वो तो था ही था, वो कारनेट ये चला रहा था, लेकिन यहाँ पे एक और था, वो मैं और दिखाता हुआ आपको, वो मैं दिखाता हुआ आपको। एनर्जी ड्रिंक्स मेरे पास इतनी हो गई थी, लेकिन फिर दो ना आ गया, मैंने लगाई नहीं, गाड़ी में बैठ कर मैंने लगा ली। तो अब मैं यहाँ पर जा रहा था तो मुझे ना सामने डर लग रहा था कि कार 98 चलती गाड़ी, वो सीधी गाड़ी जा रही हो तो लग जाती। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये इन दोनों, ये दोनों बच गए, मैं इधर ला के रोक दी गाड़ी, यहाँ पे मैंने ला के गाड़ी रोक दी। अब वो सामने थे बिल्कुल, जो थे ना प्लेयर्स जो वहाँ पर बचे हैं मेरे से, अब वो बिल्कुल सामने थे। यहाँ पर मेरा एक बंदा था, वो उसने किल चुरा ली, मेरे दोनों किल मेरे थे उन्होंने। यहाँ पे एक को मैंने नॉक किया, दूसरे ने मुझ पर मॉली फेंकी, मैं बैंडेज लगाया, मैं उतनी देर में भागा कि किल चोर, यहाँ पे ना फायर हो रहा था, मुझे था मेरा किल चोरी हो गया, मुझे किल चोरी का था। तो अब यहाँ पर जाता जा रहा था मैं आगे, यहाँ पर मैं आगे जाके देखा, मुझे पता चला कि मेरे हो गए हुए हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर एक दिमाग से खेला, मैंने अपने दिमाग से खेला, थोड़ा बहुत तो है ये, तो यहाँ पर मैंने इसको जाके फिनिश किया, मुझे पड़ी मार से, बट मैंने अगर ना करता फिनिश तो मेरा किल चला जाना था, और किल तो मस्ट चाहिए होता है। अब यहाँ पर उसको भी मारेंगे जिसने किल चुराए हैं, उसको भी मारेंगे, उसने किया है हमारे पे पुश, एस्ट्रल के लेके, अमन प्राश 6 लिखा है। अब यहाँ पर लास्ट बंदा था, ये था ये ब्रोकन वॉल नहीं, ये जो छोटी, ये जो पेट्रोल पंप के साथ बनी थी। अब यहाँ पर ना मैं गलत, यहाँ पे हो गया मेरे साथ, मैं यहाँ पर एग्जिट किया क्योंकि गाड़ी फाड़ रहा था, यहाँ पर मैं उसके पास आया, ये गाड़ी फाड़ना शुरू, फिर मैं ओपन में भागा 2 मिनट के लिए, फिर इसने मेरे पे कर दिया पुश, बट मैंने मेडकिट लगा ली हुई थी और बूस्ट भी था मैं, तो मुझे टेंशन नहीं थी, और एस्ट्रल के तो थी मेरे पास। यहाँ पर जो चिकन डिनर निकाला, किल्स मेरे थे 7, डैमेज मेरा 1036 था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह।